आई नो मोटोरोला के एड से जैसे तैसे आप सही सलामत यहाँ पर इस वीडियो पे आ चुके हो, और मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि मोटोरोला वाले इतने पैसे एड्स पे लगाते हैं, अपडेट्स पे लगाते हैं, तो भाई साहब लोगों को रेगुलर अपडेट मिलते हैं क्यों? बात तो सही है। एनीवे कमिंग बैक टू द टॉपिक, मोटोरोला एज 50 प्रो है आज का यहाँ पर टॉपिक। इसको यूज़ करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं इस फोन में, कुछ चीजें खराब भी है जो डेफिनेटली कोई शायद नहीं बता रहे, लेकिन हम बताएंगे। चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 8GB रैम से स्टार्ट होता है, 256GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा, वो आपको अप्रॉक्स 28,000 का सारे ऑफर्स लगा के मिलेगा। इसमें दूसरा वेरिएंट है 12GB रैम 256GB वाला, वो आपको 34,000 तक मिल जाएगा ऑफर्स लगा के। तो यहाँ पर 12GB रैम वाले में ना आपको 125 वॉट का चार्जर मिलेगा इन द बॉक्स, और जो 8GB रैम वाला है उसमें 68 वॉट का चार्जर मिलेगा। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम मिलती हैं, तो ज़्यादा सेंस 8 to 56GB वाला बनाता है। और सबसे पहले बात करें फ़ोन के इन हैंड फील के बारे में या बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी सॉलिड लगी मुझे। यहाँ पर आपको 2-3 कलर देखने को मिल जाते हैं, कलर आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। हमारे पास ये कुछ पर्पल टाइप का कलर मिलता है, वेगन लेदर बैक इसमें मिल जाता है, लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व की, अभी 10 दिन में इसे केस के साथ भी यूज़ कर रहा था, स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा गंदा होने लगा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, अच्छा केस ले लेना है, क्योंकि केस यहाँ पर जो आपको मिलता है ना वो साइड से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और कर्व डिस्प्ले आता है इस फ़ोन में, तो एक दिक्कत हो जाती है कर्व फोन के साथ, जब नीचे गिरता है ना तो इम्पैक्ट साइड पे सबसे पहले पड़ता है, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान दें। एंड कंपनी वालों ने जो ग्लास दिया था ना पतला सा, वो भाई साहब ना के बराबरी, और ना देते तो ज़्यादा खुशी होती, कि जब हमने लगाने की कोशिश करी कुछ ऐसा लगा। लेकिन उसके अलावा फ़ोन का इन हैंड फील सॉलिड है, मज़ा आ जाता है, साइड फ्रेम्स भी आपको मेटल के मिलते हैं, तो वो प्रीमियम बिल्ड का एहसास बिल्कुल होगा। फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, 187 ग्राम आपको इसका वेट मिल जाता है, और बहुत छोटा फ़ोन नहीं है, एक हाथ से आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है, कोई भी हेडफोन जैक का गड्ढा नहीं मिलेगा, लेकिन IP68 की रेटिंग मिल जाती है, मतलब फ़ोन फुल वाटरप्रूफ है, पानी में डुबा के भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एडवाइस करूंगा जितना दूर रखोगे पानी से उतना अच्छा है आपके लिए और आपके फ़ोन की हेल्थ के लिए। लेकिन उसके अलावा स्टीरियो स्पीकर सेट मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ, जो इनफ लाउड है कि आपको आराम से सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक चीज़ काफ़ी शॉकिंग लगी मुझे कि यहाँ पर जो इन लोगों ने हैप्टिक्स यूज़ किए ना, वो एवरेज हैप्टिक्स यूज़ किए। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो आधा एक सेकंड ले लेता है अनलॉक करने में। होपफुली ये चीज़ें अपडेट के साथ फिक्स होंगी। तो ओवरऑल फ़ोन का इन हैंड फील सही है। फ़ोन में जस्ट 4,500 mAh की बैटरी है, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई साहब जब बैटरी इतनी कैपेसिटी कम है तो ऑफकोर्स ही बात है कम बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन टोटली अपोजिट था। जब हमने यहाँ पर नॉर्मल टू मॉडरेट लेवल का टास्किंग वगैरह किया, जैसे रील देखा, शॉर्ट्स वगैरह देखा, तब हमें 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला 5G में, और ये 10 घंटे तक गया वाईफाई में जब हम थे। तो इन शॉर्ट बोला जाए एक दिन आराम से ये फोन चला देगा। इसके अलावा 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, इसका जो सी टाइप वाला पोर्ट है ना, USB 3.1 को सपोर्ट करता है, मतलब आप इससे डायरेक्टली आउटपुट भी ले सकते हैं वीडियो का, जैसे बहुत सारे लोग गेम स्ट्रीम वगैरह करते हैं ना, तो वो सुविधा यहाँ दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग को मोटोरोला में आइडल ड्रेन का इशू भी आता है, लेकिन मेरे एरिया में 5G के अच्छे नेटवर्क आते हैं। 84% रात पे रखा था, सुबह 82 हो गया था, जस्ट 2% बहुत नॉर्मल है। किसी किसी एरिया में ये ज्यादा तब होता है ना जब 5G का नेटवर्क अच्छा नहीं होता है, तब नेटवर्क अप डाउन होता है, जिसकी वजह से बैटरी थोड़ा ज्यादा ड्रेन हो जाता है। और हमारे पास 8GB वाला है, तो इसमें 68 वॉट का जो फास्ट चार्जर मिलता है उससे 30 मिनट्स में अप्रॉक्स फुल चार्ज हो जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी, चार्ज करते टाइम ना थोड़ा टेम्परेचर इसका गर्म हो जाता है, 42-43 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है, तो जब चार्ज पे लगाए तब फ़ोन को थोड़ा स्पेस देना है और चार्ज होने देना। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप सही है, और बैटरी बैकअप सही होने के कारण सॉफ्टवेयर भी होता है, तो यहाँ पर आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है। मोटोरोला ने इस बार हेलो UI को इंट्रोड्यूस किया है, बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 स्टार्टिंग मिला था। कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 मेजर अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, और जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बोला इनके अपडेट्स थोड़े से स्लो हैं, होपफुली मोटोरोला कभी तो यहाँ पर सुधार करेंगे। एंड आई नो बहुत सारे लोग मोटोरोला फ़ोन यूज़ करते हैं जिनको एंड्रॉइड 14 ही नहीं मिला होगा अभी तक। आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं मोटोरोला का, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, देखते हैं ज़रा कौन से फ़ोन में ज़्यादा जनता है। इसके अलावा स्टार्टिंग में कोई भी ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिला था, बस मोटोरोला के कुछ नेटिव ऐप्स थे जो यूज़ में आएंगे डेफिनेटली, उनको डिसेबल इंस्टॉल नहीं कर सकते। गूगल ऐप्स को आप डिसेबल कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन इसके अलावा UI का लुक इस बार टोटली चेंज हो गया। आपको कुछ इस टाइप का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, राइट साइड से स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन पे तो कंट्रोल सेंटर आएगा, लेफ्ट साइड से करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंटर आएगा। ये सेम पहले MIUI वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपनाया जा रहा है, और ये लुक भी आपको थोड़ा थोड़ा आईफोन की याद दिलाएगा।
ऑल दो आपके पास इसको चेंज करने का बैक टू नॉर्मल जाने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट टाइप का मिल जाता है, बैकग्राउंड में आपको चीजें दिख रही होंगी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे आपको आइकन का शेप चेंज करना हो, लॉक स्क्रीन को चेंज करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर के कुछ एनिमेशन मिल जाते हैं, एज लाइटिंग मिलती है, फॉन्ट्स मिलता है, एंड ओवरऑल पूरे यूआई का कलर एक्सेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डुअल ऐप ऐप लॉक ये सब तो नहीं मिलता, लेकिन सिक्योर फोल्डर में डाल के थोड़ा जुगाड़ के हिसाब से वैसे चला सकते हो, क्योंकि वो एक अलग स्पेस क्रिएट कर देता है। और इसको आप अपनी बड़े स्क्रीन के साथ लगा के ना एज ए कंप्यूटर वाली वाइब भी ले सकते हैं, क्योंकि रेडी 4 का फीचर मिलता है, जिसमें इसका वेबकैम को एज ए कंप्यूटर लैपटॉप का वेबकैम भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे इंटरेस्टिंग उसमें फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ चॉप चॉप करके फ्लैश लाइट जल जाएगी, डबल बार ऐसे करेंगे तो कैमरा आ जाएगा, दोबारा करेंगे तो फ्रंट कैमरा पे आ जाएगा। ये बेसिक्स नेसेसरी सारे जो फीचर्स मिलते हैं मोटोरोला के डिवाइस में वो आपको मिल जाते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं इसके एंड्रॉइड 14 की सारे फीचर्स को कवर करें तो कमेंट सेक्शन बताइए, एक वीडियो बना के आपके लिए लेके आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको थिंकशील्ड की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। एंड अगर बात करें एनिमेशंस के बारे में, आप ओपन करते हैं क्लोज करते हैं बहुत ही स्मूथ एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। हमने काफ़ी बार बहुत जल्दी जल्दी करके भी देखा, तब भी कोई लैग नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जब हम कैमरा के ऐप को ओपन करते हैं तब थोड़ा सा दिक्कत देता है कि कैमरा का ऐप यहाँ पर लैग होता है। और कैमरा में अगर गलती से आपने फोटो खींच दी ना एक, वो फोटो को प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम ले लेता है, उसकी वजह से अगर उस टाइम पे आप मिनिमाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा लैग फील होगा, मतलब आपको लगेगा आप बजट फोन यूज़ कर रहे हैं, वैसा फील आ जाएगा एक टाइम पे। तो होपफुली ये कैमरा वाली चीज़ें ये लोग फिक्स करेंगे। इसके अलावा कभी कभार मैंने नोटिस किया कि फ़ोन को नॉर्मल भी यूज़ कर रहे हो तो टेम्परेचर 40-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो मोटोरोला का ये हमेशा से रहा है कि थोड़ा टेम्परेचर और इनका अच्छा रिलेशन नहीं रहा है। होपफुली अपडेट के साथ चीज़ें फिक्स होंगी। और फोन फ्यूचर प्रूफ भी है, आपको यहाँ पर 15 5G के वैंड मिल जाते हैं, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, वाईफाई 6 ही मिल जाता है, साथ ही साथ NFC भी दिया हुआ है, बट कोई भी IR ब्लास्टर नहीं मिलता है। साथ ही साथ डुअल 5G का सपोर्ट भी है और 5G की स्पीड भी यहाँ पर तगड़ी आ रही थी। इनफैक्ट 5G में मैंने नोटिस किया 5G कैरियर रेजोल्यूशन का भी सपोर्ट मिला था, डबल प्लस आ रहा था, मतलब सीधे नासा की स्पीड। इसके अलावा 4G प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा था और 4G में भी कोई दिक्कत नहीं आई, कॉलिंग वगैरह किया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड की वजह से गूगल डायलर मिलता है, उसमें अनाउंसमेंट कर देता है, ऑल्दो उसे आप सिंगल बीप में कन्वर्ट कर सकते हैं सेटिंग में जाके। उसके अलावा डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलता है और इस बार यहाँ पर ना 3 आपको माइक्रोफोन मिलते हैं, एक माइक्रोफोन वॉल्यूम के साइड में आपको मिल जाता है। तो इसको जब हमने कंपेयर किया नॉर्मल फोन से, तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये मोटोरोला से सुन रहे हो, कितना इसके 3 वाइक डिफरेंस क्रिएट करते ही आपको आइडिया मिल गया होगा। लेकिन अभी जो आवाज आ रही है नॉर्ड से आ रही है, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एक्चुअली में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कॉमेंट सेक्शन में बताओ। और बैक जितना सुंदर है ना, फ्रंट भी उतना ही सुंदर मिल जाता है। यहाँ पर POLED डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, 1.5K रेजोल्यूशन मिलता है, साथ ही साथ पैंटोन ने वैलिडेट किया है कलर्स को, तो कलर्स प्रोडक्शन आपको काफ़ी तगड़ा मिल जाएगा। ऑल दो AMOLED, POLED इन सब में कलर प्रोडक्शन ऑलरेडी अच्छा होता है, लेकिन पैंटोन वैलिडेशन के साथ एक सर्टिफिकेशन हो जाता है कि आपको ट्रू टू नेचुरल कलर जो एक्चुअली में शूट करते टाइम कलर हो वही शो करेंगे, तो कंटेंट देखने में आपको बिल्कुल मजा आएगा। व्यूइंग एंगल्स, डीप ब्लैक्स वगैरह सब चीज़ प्रॉपरली मिल जाती है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में विविड में रहता है कलर प्रोफाइल, उसको चेंज कर लेना आपको नेचुरल या रेडिएंट, तभी थोड़ा क्लोज टू नेचुरल दिखेंगे। इसके अलावा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, एंड बेजल्स आपको पता है कर्व्ड वाले फोन में साइड के नहीं होते, चिन वगैरह भी यहाँ पर काफी मिनिमल मिलता है, एंड 90.75 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और इसकी पीक ब्राइटनेस भी 2000 निट्स तक मिल जाती है, एंड आउटडोर में विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोन HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, लेकिन यूट्यूब में 4K HDR 60fps वीडियो अटक अटक के चलती है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स में भी ना HDR का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, तो डिस्प्ले सक्षम है फिर भी उसकी काबिलियत सामने नहीं आ पा रही है सर्टिफिकेशन की वजह से, तो होपफुली कंपनी अपडेट के साथ ये चीज़ों को फिक्स करेंगे। उसके अलावा Amazon Prime Netflix में फुल HD कंटेंट का सपोर्ट मिलता ही है, एंड 144Hz का रिफ्रेश रेट है, 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट है, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है टच, कोई भी दिक्कत नहीं आती, एंड ऑलमोस्ट सभी ऐप्स में आपको सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। हमने YouTube में टेस्ट किया, Twitter में, Instagram में, Chrome में, हर जगह मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर LTPO डिस्प्ले नहीं है, मतलब 1Hz तक नहीं जाएगी, यहाँ पर रिफ्रेश रेट आपको 60, 90 और 120Hz के बीच में स्विच होता हुआ मिलेगा। साथ ही साथ लो लाइट में आपकी आंखें भी सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि DC एंड PWM डिमिंग दोनों का ही ऑप्शन मिलता है। और Motorola ने इस बार परफॉर्मेंस में भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 की स्टोरेज, ये दोनों चीजें और बेटर हो सकती है क्योंकि ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार का फोन है, अगर कोई 12 GB RAM ले रहा है उसको भी सेम चीजें मिल रही है। स्कोर्स आप देख सकते हैं, 7.8 लाख N22 मिल जाते हैं, CPU थ्रॉटल आपका 71% तक करता है, जो थोड़ा हीटिंग का इशू है मैंने बताया था यहाँ दिखता है,
साथ ही साथ आपको Geekbench के स्कोर तगड़े मिलते हैं और रीड राइट की स्पीड भी आपको UFS 2.2 के हिसाब से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि मोटोरोला वाले बोलते हैं हमने कुछ तो ऑप्टिमाइजेशन किया है UFS 2.2 के साथ, वो सुपर स्पीड देगा। और इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमने Nord CE4 के साथ ऐप्स को ओपन क्लोज करके देखा। तो भाई साहब यहाँ पर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि कुछ ना ऑप्टिमाइजेशन की गई है, ऑलमोस्ट ये सेम परफॉर्म कर रहा था UFS 3.1 जितना। लेकिन इसके अलावा डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग में कोई ऐसा दिक्कत आपको नहीं आने वाला, आराम से हो जाएगा। गेमिंग के बारे में बात करें, BGMI में HDR एक्सट्रीम तक और अल्ट्रा HD 40 FPS तक आप खेल सकते हैं। साथ साथ जितना BGMI हमने इसमें खेला ना भाई साहब, 55-60 FPS के बीच में एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिली। मेरे को एक टाइम पर लगा था कि हीट कर जाएगा, लेकिन लंबे गेमिंग आवर्स में ना ये उतना ज़्यादा हीट नहीं करता है जितना शॉर्ट यूसेज में कर लेता है। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है, एंड इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, उस वीडियो को आप आई बटन में जाके देखोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कितना टेम्परेचर बढ़ा कितने घंटे तक गेमिंग करने के बाद। तो गेमिंग भी आप पकड़ के चलिए कि गेमिंग फोन नहीं है, स्टिल अच्छी खासी गेमिंग मॉडरेट लेवल की करवा। अगर बात करें कैमरा के बारे में, सेंसर इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नॉर्मल सेंसर जो यूज़ होते हैं उससे बेटर सेंसर यूज़ किए गए, फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, काफ़ी क्लोज टू नेचुरल फोटोज़ देखने को मिल जाती है। एक्चुअली में इन लोगों ने जो पेंटोन के साथ कोलैबोरेशन किया ना, वो कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले मोटोरोला फ़ोन जब यूज़ कर रहा था ना उसमें कभी भी कुछ भी कलर्स आते थे, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी कंसिस्टेंट आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेलिंग भी तगड़ी मिल जाती है और दिखने में भी काफ़ी सही लगते हैं। लाइट को भी अच्छे से बैलेंस कर लेता है नॉर्मल पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। एज डिटेक्शन भी यहाँ पर प्रॉपरली हो जाता है पोर्ट्रेट मोड में। एंड बात करें बैक से भी, तो सेम सीनारी यहाँ पर देखने को मिला, काफ़ी क्लोज टू नेचुरल फोटोज़ देखने को मिल रही थी, लेकिन किसी किसी सिनारियो में ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ी सी सैचुरेटेड साइड पे फोटोज़ रहती हैं। लेकिन ऑल दो देखने में सोशल मीडिया रेडी टाइप फोटोज़ आप कहीं पे भी बिना एडिट करके डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको मेन सेंसर से 2x और 3x में जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें भी डिटेलिंग तगड़ी मिलती है। एंड 2x और 3x में ना थोड़ा सा आपको कलर शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 3x वाला टेलीफोटो लेंस का यूज़ करता है, और यही केस जाता है पोर्ट्रेट मोड में भी। इसमें आपको 24mm, 35mm, 50mm एंड 85mm का सपोर्ट मिल जाता है। 85mm मतलब कि टेलीफोटो लेंस को ये यूज़ करके फोटो खींच रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा कलर शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। 85mm की फोटो में बैकग्राउंड में ब्लर तगड़ा आ जाता है, डेप्थ इफेक्ट तगड़ा मिलता है। सो फोटोज़ वाले डिपार्टमेंट डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। जस्ट फोटो जब आप क्लिक करते हैं ना, प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लेता है, और इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैं दिखाता हूँ। Nord के साथ मैंने कंपेयर किया और सेम टाइम तक हमने शटर स्पीड को दबा के रखा, तब Nord ने ज़्यादा फोटो ली इसके कंपैरिजन। इसके अलावा 30x तक आप इसमें जूम कर सकते हैं और उसमें भी डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है। नाइट मोड में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, ऑलमोस्ट डार्क सिनारियो की फोटोज़ हैं तब भी काफ़ी अच्छे से लाइट को कैप्चर किया। बट वीडियो वाले डिपार्टमेंट में ना 4K 30 FPS पे स्टेबलाइजेशन ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर स्टेबलाइजेशन ऑन करके भी स्टेबलाइजेशन दिख नहीं रही थी। और फ्रंट कैमरा से भी आपको 4K का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये साइड वाली वीडियो फ्रंट कैमरा की है, तो क्वालिटी वहाँ पर ठीक मिल जाती है। सो सम अप करूँ कैमरा को, तो यहाँ पर फोटोज़ तगड़ी आ जाती है, जस्ट फोटो में प्रोसेसिंग का टाइम थोड़ा कम कर दें और वीडियो में भी स्टेबलाइजेशन थोड़ी और बढ़ा दें तो बेटर हो जाएगा। और कलर एक्यूरेसी भी ना मोटोरोला की सही दिशा के साथ जा रही है, इस बार दूसरी पटाने के साथ नहीं जा रही। सो दुनिया भर की बातें हो गई, नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन। देखो भाई, 28,000 में ना डेफिनेटली ये फ़ोन एक वर्थ डील बन जाता है, क्योंकि बिल्ड से लेके डिस्प्ले से लेके हर चीज़ आपको तगड़ी मिल जाती है, कैमराज भी। एंड अपडेट पे ना मोटरोला वालों थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, ये एड्स वगैरह चलाना बंद कर दो, तो वो फंड आप अपने अपडेट वाले यूनिट को दो, वो अच्छे से अपडेट निकालेंगे हर महीने, तो मज़ा आ जाएगा, लोग खुश रहेंगे। बाकी आपके कुछ डाउट इस फोन के रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम लॉन्ग रिव्यू जब बनाएंगे इसका तब सारे डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 से 40 वीडियोस आने। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।